हेलो बच्चों, मॉल कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं, मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट 1, मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 और मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट 3। मॉल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में हम लोगों ने मॉल कॉन्सेप्ट की बेसिक डिफिनीशन पढ़ी थी और उस डिफिनीशन के बाद हमने उसका एप्लीकेशन पढ़ा था। और एप्लीकेशन में हम लोग नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ आयंस कैलकुलेट करना सीख लिए थे और उसके बाद हम परसेंटेज पे काम कर रहे थे। पार्ट 3 में हमने परसेंटेज के ऊपर कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट 4 में हम करने चल रहे हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए करते हैं परसेंटेज रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। जैसे कि एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। बच्चों, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2 NH2CO NH2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2H4CO N2H4CO। तो नाइट्रोजन का होता है बेटा 14, तो 14 इंटू कितना हो गया 2, प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, तो 4 इंटू 1, प्लस कार्बन का हो गया 12, प्लस 16 ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना हो गया 28, प्लस 4, प्लस 12, प्लस 16, तो ये हो गया बच्चों 6 2 8 4 12 8 20, शून्य 2 2 1 3 4 4 2 6, कितना आ गया बेटा 60 ग्राम पर मोल। जब भी मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट आप लिखें, तो जब ग्राम लिखें तो मोल लिखना ना भूलें। अभी हम लोग आगे जब मोल का कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए बेटा, ये पूछ क्या रहा है, नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा है, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है, ये नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन होता है, गॉड होता है। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ गॉड होता है। एंड हाउ मेनी गॉड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, 1, तो क्या होता है, 1 होता है। जहाँ कुछ नहीं लिखा होता बच्चों, वहाँ 1 से मल्टीप्लीकेशन होता है और 1 से डिवीजन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो एक एटम का मास कितना है 14 ग्राम, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 28। तो बच्चों, हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने वाले हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो सपोज दैट जब हम हाई स्कूल में थे तो हम अपना परसेंटेज कैसे निकाले थे, मेरा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मैं जितना नंबर पाया था वो उसको ऊपर रखे थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर यानी जो पूर्णांक था, जो मैक्सिमम मार्क था उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है बताइए, जिसका निकालना होता वो ऊपर होगा। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया बेटा 28 अपॉन टोटल कितना है 60 इंटू क्या कर दूँ 100, तो ये बेटा लगभग कितना आ जाएगा 46% आ जाएगा नाइट्रोजन आपका। तो ये जो है आपका 46% नाइट्रोजन आ जाएगा। उसी तरीके से इस प्रॉब्लम में आपसे कह सकता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, देखिए कार्बन का बेटा कितना होगा, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है 12, तो जिसका परसेंटेज निकालना होगा वह ऊपर होगा, तो कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60 इंटू क्या कर दूं 100, ये आंसर हो गया आपका, इतना परसेंट आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना होगा तो भी निकाल लेंगे आप, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का कितना ग्राम है 4, तो 4 हो गया डिवाइडेड बाय 60 हो गया इंटू क्या हो गया 100,
ये आंसर हो गया आपका, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछेगा, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, ऑक्सीजन का होता है 16 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, ये हो गया। अब एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम इसमें बन सकता है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम बन सकता है कि आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन यूरिया, ये पूछा जाए। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमोनिया इन यूरिया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि नाइट्रोजन का परसेंट पूछ रहा था, वो नाइट्रोजन दिख रहा था हमको, हमने बड़े आसानी से निकाल लिया, यानी हमने एटम का परसेंटेज निकाल लिया। यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूल का परसेंटेज पूछ रहा है, अमोनिया का परसेंटेज पूछ रहा है आपको, आपसे। तो फिर यहाँ क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे अमोनिया, तो पहले यूरिया का फार्मूला लिख लें, क्या हो जाएगा N2H4CO, ये हो गया बेटा यूरिया का फार्मूला। तो हम इसको अमोनिया के फॉर्म में लिखें, है ना, तो मुझे क्या करना होगा इसके लिए, N2H4 मैं क्या कर लूँ, पहले लिख लूँ NH3, क्योंकि मुझे अमोनिया का परसेंटेज निकालना है। NH3 लिख लिया, एक नाइट्रोजन बचा, इस नाइट्रोजन को मैंने यहाँ लिख लिया, और हाइड्रोजन कितना बेटा 4, तो 3 यूज कर लिया मैंने अमोनिया में, बचा कितना 1, तो क्या हो गया NH, और क्या हो गया आपका CO, ठीक है ना। हमने इसका मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट किया है 60 ग्राम पर मोल, अमोनिया टोटल यूरिया का मॉलिकुलर वेट है 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ भी चल जाएगा ये। तो हमें अमोनिया का परसेंटेज निकालना है, तो अमोनिया का परसेंटेज देखिए ऐसे लिखने से क्या हो गया, अमोनिया सेपरेट हो गया इसमें से, तो आपको जो है अमोनिया का परसेंटेज निकालना है। तो अमोनिया का परसेंटेज बेटा कैसे निकालेंगे बताइए, अमोनिया का वेट ऊपर, तो अमोनिया का यानी वेट यानी मॉलिकुलर वेट, तो कितना हो गया 17, नाइट्रोजन का 14 हो गया और हाइड्रोजन का 3, तो 17 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होगा 60 इंटू क्या हो गया 100। तो इस तरीके से आप जो है परसेंटेज ऑफ अमोनिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कैलकुलेट द, इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स N2H4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ N2H4 या हाइड्रोजन, इसको बच्चे बोलते हैं हाइड्रोजन इन यूरिया, यूरिया के अंदर आपको परसेंटेज निकालना है किसका, हाइड्रोजन का। अब आप क्या करेंगे, यूरिया को आप लिख लीजिए पहले, क्या होता है बेटा N2, देखिए N2H4CO, ये तो आसान हो गया, तो N2H4CO टोटल कितना होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल, तो आपको किसका निकालना, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन यानी N2H4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, तो ये कितना हो गया N2 का 28+4 डिवाइडेड बाय 60 इनटू क्या हो गया बेटा 100, एंड दिस इज योर आंसर, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से परसेंटेज हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए कैलकुलेट द क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CO2 इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट,
कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CO2 इन 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों यहाँ पर CO2 तो नहीं दिख रहा अब इसमें, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करें यहाँ पे, देखिए हम इसको CO2 के फॉर्म में लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो गया बेटा CO2 के फॉर्म में लिख लें और एक ऑक्सीजन बचा तो इसको यहाँ पे लिख लें, ठीक है। मॉलिकुलर वेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, मॉलिकुलर वेट होता है 100 ग्राम पर मोल होता है मॉलिकुलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आपको बेटा ये बताना है परसेंटेज ऑफ CO2, परसेंटेज ऑफ CO2। तो क्या करूं, CO2 का वेट ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट यानी टोटल मॉलिकुलर वेट 100 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया आपका CO2 का होता है, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 32 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या कर दूं 100, तो ये बेटा कितना आ गया 44%, 44%, ठीक है। उसी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम बताइए, तो कैल्शियम का वेट ऊपर 40, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना हो गया 100 इनटू क्या हो गया 100, कितना आ गया 40%, राइट। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 ग्राम, तो तीन का कितना हो गया 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 48%। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ CO, तो CO के फॉर्म में यहाँ पे लिख दीजिएगा। जब CO लिखिएगा यहाँ, अगर आप CO लिखते हैं तो O2 यहाँ पे हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा N2H4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन HNO3, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन HNO3। अब इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा इसमें, हाइड्रोजन तो दिख ही नहीं रहा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। HNO3 में हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो हम बना लेंगे फिर, क्योंकि ये मॉलिकुलर फार्मूला बेटा होता क्या है, रेशियो होता है, तो आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो HNO3 को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि N2H4 आ जाए, ठीक है, N2H4 आ जाए। तो हम इसमें क्या करें, चार से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया H4 N4 और O12, ये आ गया हमारा। अब ऐसा करने से हमारे पास भरपूर मात्रा में जो चाहिए वो मिल गया। H4 चाहिए क्योंकि देखिए हाइड्रोजन में H4 है, उसके बाद N2 चाहिए, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ H4 N2। ऐसा करने से मेरे पास दो N2 बाहर आ रहे हैं, तो दो N2 बाहर कर लिया इनटू क्या हो गया O12, तो ये बेटा क्या हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ये हो गया, तो मुझे परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन N2H4। तो N2H4 का मॉलिकुलर वेट ऊपर होगा, मॉलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन N2H4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ H4 N4 O12 इनटू क्या 100। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए और पुट करके सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों
जब भी परसेंटेज आए तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या यूं कहिए कि दो तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के ऊपर। एक होता है एटम का परसेंटेज निकालना और दूसरा होता है दिए गए पर्टिकुलर मॉलिकुलर फार्मूला में मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकालना। तो जब हम एटम का परसेंटेज निकालना होता है तो वो तो बहुत इजीली निकल जाता है, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकालना होगा तो आपको अगर वो मॉलिक्यूल दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उससे उसमें मल्टीप्लाई करके, जैसे हमने HNO3 में हाइड्रोजन का निकाला है ऐसे हम कन्वर्ट करके बना लेते हैं। आई बात समझ में बच्चों? हाँ, इसके बाद ये हमने परसेंटेज वेट बाय वेट के ऊपर इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन हमने बताया आपको। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब तक हम वेरियस टाइप्स के प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे बच्चों तब तक हमें इस चैप्टर पे कमांड नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही होगी कि डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको करवा दें, ताकि एग्ज़ाम के अंदर अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत उसको कर लें। अब इसके बाद आगे चलते हैं। टर्म्स रिलेटेड विद मोल, टर्म्स रिलेटेड विद मोल। बच्चों अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। टर्म्स रिलेटेड विद मोल, मोल से कितनी चीजें कनेक्टेड हैं। तो पहला टर्म होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी। दूसरा होता है मोलैलिटी, और तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन। चौथा होता है नॉर्मैलिटी। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि नॉर्मैलिटी भी होता है तो ये बेटा गलत है, नॉर्मैलिटी नहीं होता है। पूछे क्यों? इसलिए देखिए, टर्म्स रिलेटेड विद मोल, हम मोल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मोल एक नंबर है, मोल एक बेसिक यूनिट है जिससे हम नंबर ऑफ एटम्स आयंस मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मोल रुपया है, इसका मतलब मेरे पास 6.023 × 10²³ रुपया है। मैं कहूँ एक मोल सेब है मेरे पास, या मेरे बागीचों में एक मोल सेब होता है, अला ऐसा नहीं है, तो फिर क्या होगा कि मेरे पास 6.023 × 10²³ एप्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मोल का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल MOL विदाउट ई नहीं लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, यूनिट बन जाता है। तो देखिए मोलैरिटी में मोल छुपा हुआ है, मोलैलिटी में भी मोल छुपा हुआ है, और मोल फ्रैक्शन में तो दिख रहा है। तो मोलैरिटी में मोल छुपा, मोलैलिटी में मोल छुपा, और यहां तो छप गया है मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो हीरो है, इस अगर मैं तीन फिल्में बनाऊँ तो इसमें जो हीरो होगा वो कौन होगा, मोल होगा। यानी इन तीनों पैरामीटर्स में मोल का ही बोलबाला होगा। यहाँ कहीं आपको मोल दिख रहा है नॉर्मेलिटी में? नहीं। तो इसलिए नॉर्मेलिटी का टर्म जो है मोल से रिलेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले एक एक पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम मोलैरिटी, सबसे पहले पढ़ेंगे मोलैरिटी। तो हेडिंग डालिए मोलैरिटी और इसको डिफाइन करते हैं पहले। मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml of solution, dissolved in 1000 ml of solution। बच्चों इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन को अंडरलाइन करिए। देखिए यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशन है ये, किसका है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशन है ये। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अगर मुझे जो बातें मैंने शब्दों में कही हैं अगर मैं इसको मैथमेटिक्स में कहता हूं तो कैसे कहूंगा, मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा, हाँ मोल्स में हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए अगर लीटर में लेते हैं तो ठीक है, या कितना 1000 ml होना चाहिए, 1000 पर 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, ये आपका फार्मूला हो गया। बच्चों इसमें मेन ऑब्जर्वेशन करते हैं, मेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर वन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज नथिंग, मोलैरिटी इज नथिंग बट इट इज रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का ये रिलेशन है। और जैसे ही ये बात मैंने लिखा कि मोलैरिटी जो है सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन है, वैसे ही मुझे एक बात और याद आ गई कि जब मैंने परसेंटेज रिलेशनशिप लिखवाया था तो वहां भी लिखवाया था कि परसेंटेज रिलेशनशिप इज नथिंग बट इट इज रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस में अगर परसेंटेज आ गया, परसेंटेज का नोटेशन आ गया, परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये समझिए कि परसेंटेज हमारी मदद करने के लिए आया है, हमें डराने नहीं आया है। तो बच्चों आज के बाद से मोलैरिटी वाले प्रॉब्लम में अगर परसेंटेज का नोटेशन हो तो ये हमारे लिए बहुत फील गुड फैक्टर है, हमारे लिए ये अच्छा संकेत है कि हम क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे हम। दूसरा, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों बच्चों, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, मोल्स तो बदलेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से बदल जाएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप ये मत सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे, ये नहीं सोचना है। आप ये मत सोचिए कि वो वेपराइज हो जाएगा, वेपराइज होने के बाद उसका वॉल्यूम कम होगा, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाइए, आपको बॉयल करने के लिए कौन कह रहा है, नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा आएगा, बढ़ोतरी आएगी। तो इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी, इसी फार्मूले को हमने ऐसे लिख दिया, एन बाई वी, ठीक है, एन बाई वी। तो आपका मोल्स तो फिक्स है, ये क्या आपका फिक्स है, क्योंकि इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी सेहत एज इट इज बनी रहेगी, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां लिखना होगा इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड डिक्रीजेज ऑन
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बच्चों इसे नोट करिए, नोट हो गया होगा। अब देखिए तो बच्चों हम ये समझ गए मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 एमएल ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, अब बच्चों इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा। तो देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH इफ इट इज डिजॉल्व्ड इन, इफ इट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है बच्चों, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो फार्मूले से और दूसरा जो हमने फार्मूला बनाया है, हमने कॉन्सेप्ट बनाया है बकेट स्पून कॉन्सेप्ट, उससे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले बेटा मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n बाई वी, n क्या है, n बाई वी, n क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, तो यहां पे दिया बेटा 20 ग्राम NaOH सॉल्यूट है ये हमारा 20 ग्राम NaOH, और सॉल्यूशन कितना आपका 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देखिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये कितना हो गया 20, मोल्स में बदलेंगे तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता बेटा 40, चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 20 बाय 40 हो गया, ये हो गया आपका मोल डिवाइडेड बाय क्या हो गया वी, वी जो है बेटा लीटर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 ml डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका लीटर में, आप इसे चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका 20 बाई 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 m, कितना गया 5 m। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे 5 मोल पर लीटर भी कह सकते हैं बच्चों, 5 मोल पर लीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मोल पर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 5 मोल पर 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 5 मोल पर 1000 क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्यूब सेंटीमीटर यानी 1 cc इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है ना, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc, और ये क्या हो जाएगा डीएम क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर होता है लीटर के बराबर होता है, तो आप डिफरेंट यूनिट में इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज द नोटेशन ऑफ मोलैरिटी, द नोटेशन ऑफ मोलैरिटी इज कैपिटल M, और इसका यूनिट क्या है मोल पर लीटर, और ये किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम आपका क्या होगा बढ़ जाएगा और मोलैरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा बच्चों फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व करना। दूसरा एक हमने ट्रिक बनाया है बकेट स्पून कॉन्सेप्ट, तो बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से भी हम इस प्रॉब्लम को बड़े आसानी से कर लेंगे, और
बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से इस पूरे चैप्टर में मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस सारे प्रॉब्लम्स हम बकेट स्पून कॉन्सेप्ट से कर लेंगे।